नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 9 दिसंबर, दिन बृहस्पतिवार। आज हम लोग जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आखिरी के दो चैप्टर्स लाइफ ऑन द अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन दोनों को आज पूरा करेंगे। यहाँ पर जो दोनों टॉपिक हैं वो इन्वायरमेंट के हैं, तो इन्वायरमेंट का भी जो सिलेबस है यहाँ पर आपका कवर होगा। इससे करना क्या है, जब आप चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, बायोम कितने टाइप के होते हैं और अलग अलग बायोम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से रीजन में वो पाया जाता है, वो आप पढ़ लेंगे इसको ध्यान से, ठीक है ना। वहाँ मिट्टी किस तरह की होती है, किस तरह का फ्लोरा फौना मिलता है, मतलब कि किस एरिया में, जैसे कि डिजर्ट एरिया में किस तरह के फ्लोरा फौना मिलता है, तो यहाँ पर जो अडेप्टेशन है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप। ग्रासलैंड में किस तरह के फ्लोरा फौना मिलता है, किस तरह का क्लाइमेट, कितनी बारिश होती है, ये जो पूरा आपका टेबल है वर्ल्ड बायोमास का, बहुत ही ध्यान से समय लगा के पढ़िएगा। समय लगा के कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब पूरा समरी दिया गया है आपको इस एक तरह से। अब आती है बात साइकिल की। बायोजियोकेमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम में जो दो सवाल दिए गए हैं यहाँ पर, इसका आंसर लिखिएगा। वाटर बायोजियोकेमिकल साइकिल, एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर। कई सारे तरीके होते हैं, एक नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, तो आपको यहाँ पर नेचुरल वाले के बारे में डिस्कस करना है, लिखना है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट मेजर्स नीडेड टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज, इनके बारे में आप आंसर लिखेंगे। फिर आती है बात चैप्टर नंबर 16 की, यहाँ पर आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिस डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे आप। इनका महत्व क्या होता है, इकोनॉमिक रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का और साइंटिफिक रोल क्या है इनका, कैसे लूज होता है बायोडाइवर्सिटी, हमारे यहाँ इंडेंजर्ड प्रजातियाँ कौन सी हैं, रेयर स्पीसी कौन सी है, कैसे कंजर्व किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों थोड़े थोड़े छोटे से हैं, इनको तुरंत कंप्लीट करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैंने समय दिया है आपको 1 घंटा 40 मिनट का दोनों चैप्टर के लिए, हो जाएगा। इसको पूरा करने के बाद आप आएंगे इंडियन पॉलिटी पर। इसका चैप्टर नंबर 18 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, इसका जो इलेक्शन है वो डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन, टर्म, वैकेंसी कैसे होती है, क्या पावर, क्या फंक्शन है इनका, वो पढ़ डालेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कल आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, आज रिवाइज करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। और आज बढ़िया मौका है गवर्नर का टॉपिक पढ़ डालने का, जो राज्यपाल है ना उसका टॉपिक पढ़ डालिएगा। इसके साथ साथ सरकारिया कमीशन का और पूंछी कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था गवर्नर के मुद्दे पर, जैसे कि गवर्नर कई सारे डिस्प्यूट्स में, कई सारे इश्यूज में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि गवर्नर केंद्र का एक एजेंट की तरह काम करता है, राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो गवर्नर रिपोर्ट भेज देता है, बिना गवर्नर की रिपोर्ट के प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो यहाँ पर जो इम्पार्शियल बिहेवियर है, इम्पार्शियल रोल है गवर्नर का, उसकी डिमांड करी जाती है, मगर वो ये रोल प्ले करने में सफल नहीं रहता। जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो पोस्ट पोलिटिसाइज हो गया है, ये इशू है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे सरकारी कमीशन, पोस्ट कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से। अब आंसर राइटिंग की बात आती है। रोज आपको 10 से 11 बजे के आसपास टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लस हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है ना, यहाँ पर आपको दो सवाल दिए जाएंगे। इन सवाल का आंसर लिख करके आप प्रेप आईएएस का जो ग्रुप है वहाँ पर पोस्ट करेंगे। रात में 8 बजे आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर में आप रोज सुबह 8 बजे द हिंदू कवर कर लेंगे। इसके बाद अक्टूबर महीने की जो मैगजीन है ये हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। अब आज बात है कल्चर की, कलमकारी पेंटिंग क्या होती है, नोबेल पीस प्राइज, इसके बारे में, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर ये पढ़ लेंगे, निहांग के बारे में पढ़ लेंगे। तो जो आपका पूरा कल्चर है ये पूरा कर लीजिएगा, पेज नंबर 96 से लेकर के 98। साथ में इथिक्स भी पूरा करेंगे आप, क्लियर है। एक काम करना, ये तीनों टॉपिक कर लेना आज, 8, 9 और 10, पेज नंबर 96 से लेकर के 102 तक, मतलब कि 6 से 7 पेजेस होंगे आपके, इसको पूरा कर लीजिएगा। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम और पीएम मित्र स्कीम, इन स्कीम को यूज़ करना है आपको एज अ फोटर पॉइंट अपने मेंस के आंसर्स में, हो जाएगा बात। तो ये हो गया आपका अक्टूबर की मैगजीन।
अब नवंबर की मैगजीन अभी आई नहीं है, तो हम लोग कल से जो पीछे की मैगजीन है ना, अगस्त की, जुलाई की, जून की, इन सब की मैगजीन कवर करना शुरू करेंगे। और ये मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों में आ चुकी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रिवाइज करते चलेंगे साथ में, समझ गए बात। तो करंट अफेयर आपने इतना 3 टॉपिक आज पूरा कर लिया, बाकी जो समय बचेगा ऑप्शनल को देना है, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर हो सके तो 2 घंटा खींच दीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है, पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, GS 1 2 3 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी, वीकली लाइव सेशन होंगे, प्राइस है 5,000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है, सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे, ठीक है ना। एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5,000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं, मतलब कंबाइंड बाय करते हैं, तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1,000 रुपये का, मतलब आपको 9,000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनके एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की, ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई आपको जो जानकारी है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट पे पूछिए, आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी जिसे हम पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है।